त्यांचं म्हणणं आहे आणि एक साथ आवाज आहे खरं तर आणि क्या बोलेंगे आप या आमदारांना सर मताधिकार बताइए आप क्या ये जो आमदार चुन के आए हैं इनको सब शिवसैनिकों ने और पदाधिकारियों ने और मतदारों ने वोटर्स ने एक निष्ठा से उनको चुन के दिया है। आज उन्होंने उनकी निष्ठा बिक दी है, उन्होंने इनकी निष्ठा गहन रखी है। इन गद्दारों का हम हमारी भाषा में निषेध करते हैं। इन गद्दारों को कड़ी से कड़ी सजा दी जाए और इन गद्दारों को पक्ष में से हकल पट्टी की जाए, इनका हम निषेध व्यक्त करते हैं। आज एक शिवसैनिक उनसे ज्यादा श्रीमंत हो गए, उनसे ज्यादा धनवान हो गए। इन्होंने अपनी निष्ठा बेच के एक देश के प्रति उनका, एक शिवसैनिक के प्रति उनका एक नालायक पना सिद्ध किया है। क्या नाम है आपका? प्रतिभा जगताप, जिला संगठक शिवसेना महिला आघाड़ी संभाजीनगर। पक्ष के खिलाफ कुछ दल भद्री लोगों ने यहाँ पे पक्ष खिलाफ कार्रवाई की है और जो मरे हुए माँ का दूध पिया, मैं ऐसे ही संबोधित करूँगा ये लोगों के बारे में। और हिंदू राज सम्राट श्री बाला साहेब ठाकरे, इन्होंने हमें सिखाया और बताया था कि जो भी पक्ष के सिंबल पे चिन्ह पे चुन के आएंगे और पक्ष के साथ गद्दारी करेंगे, इन पक्ष के बड़ों को जहाँ मिलेंगे वहाँ पे यहाँ इनको मारना चाहिए। और हर महाराष्ट्र के शिवसैनिक जहाँ भी पक्ष के खिलाफ गद्दारी करे हुए जो भी विधायक है, इनको हम युवा सैनिक जहाँ मिलेंगे जहाँ दिखेंगे वहीं पे उनको हम बाला साहेब ठाकरे ने हमको बोले हुआ है कि वो गद्दारी करेंगे पक्ष के खिलाफ, उनको तुम जहाँ मिलेंगे वहीं पर मारो। और हम शिवसेना और युवा सैनिक हम सज्जे, हम खाली पक्ष प्रमुख उद्धव साहब का आदेश का इंतजार कर रहे हैं। सभी यहाँ ठीक यहाँ पे तुम देख ही रहे हैं, सवेरे से माहौल ये शिवसैनिक ये सुनने के मूड में नहीं है, लेकिन यहाँ पे आमदारों ने गद्दारी किया, उनको माफी नहीं मिली। शहरामध्ये शिवसेना है, सगळ्यांनी लक्षात घेतलं पाहिजे। या ठिकाणी संभाजीनगर में ये आंदोलन किया जा रहा है। ये सभी संभाजीनगर की जनता शिवसेना प्रमुख माननीय बाला साहब जी ठाकरे इनके विचारों के पीछे है। उद्धव जी के नेतृत्व पे हमको विश्वास है। कोई लोग इधर उधर जाने का प्रयास कर रहे होंगे, वो हमारे गली गए सहकारी है। उनको भी विनंती आह्वान हम बार बार करेंगे कि आप शिवसेना से ही जुड़े रहिए। क्षमा संभाजीनगर की जनता किस तरह शिवसेना के पीछे, आप देख सकते हैं। हमने तो सिर्फ एक कॉल किया है न्यूज़पेपर और सोशल मीडिया के माध्यम से, तो इतने लोग आए हैं। हम अगर कोई प्रयास करते तो यहाँ जगह नहीं रहती, इतने लोग आ सकते थे। लेकिन हम यही चेतावनी देते हैं कि आज हम संभाजीनगर में आंदोलन कर रहे हैं, आने वाले वक्त हम हर मतदार संघ में हर तहसील के जगह भी हम आंदोलन करने जाएंगे। शिवसेना की और संख्या बढ़ गई है और कुछ लोग जा रहे हैं ऐसा कह रहा है। जनता आमदार बोल तो शिवसेना नहीं, जनता बोल तो शिवसेना है, शिवसैनिक बोले तो शिवसेना है। वो शिवसैनिक और वो जनता शिवसेना के साथ है और आने वाले समय में ये जनता, ये शिवसैनिक जो कोई जाने का प्रयास करेगा उसको उसकी जगह दिखा देगी। बीजेपी के लोगों का कहना है कि मुख्यमंत्री लोगों के आवाज को उठा नहीं रहे थे, इसलिए ये नाराज होकर अलग हुए। बीजेपी का इस शिवसेना के अंदरूनी मामले में बोलने की जरूरत क्या है, इसका मतलब बीजेपी भी इसके पीछे है क्या, ये भी सोचना चाहिए।